So let us today understand the two core concepts of right to equality under Article 14. So what are these concepts? First is equality before law and second is equal protection of laws. So, पहला वाला कंसेप्ट हम समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो क्या बोल रहा है. वो ये बोल रहा है कि नो बडी इज अबाउ लॉ, मतलब कि कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं होता. इसका ये मतलब भी होता है कि कानून जो है वो सभी पर्सन के लिए एक जैसा होता है, वो बराबर का होता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई कलेक्टर हो या फिर सामान्य किसान भी हो, तो ये सभी पर्सन के लिए कानून जो है वो इक्वल रहेगा, वो एक सरखा रहेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, ये समझा रहा है कि किसी भी इंसान की कोई सोशल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस को देखकर कानून कभी भी अप्लाई नहीं होगा, कानून सभी के लिए इक्वल ही रहेगा. इसलिए हम ये वाले कंसेप्ट को नेगेटिव कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो कोई भी पर्सन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, वो सभी को एक टाइप की ट्रीटमेंट दे रहा है. ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. अगेन, ये कंसेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है वगैरह, इन सब को ये जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा. सो इन लोगों के लिए ये एक्सेप्शंस रहेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या समझा रहा है? इट प्रोहिबिट्स व्हाट? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर डिससिमिलर सर्कमस्टेंसेस. इसका कहने का मतलब है कि अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो तो वैसे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हम लोग एक टाइप की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं. मतलब कि सिमिलर लॉ अप्लाई नहीं होगा सभी पर्सन्स के लिए अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो तो. इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग सेम रेमेडीज किसी भी पर्सन को नहीं देंगे, डिफरेंसेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस होगी तब. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंसेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन एरिस्टोटल कंसेप्ट. और एरिस्टोटल का कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि इक्वल्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली. मतलब जैसी जो सिचुएशन उसके हिसाब से लॉ जो है उसको हमें अप्लाई करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट को देखकर स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकता है, बट ये क्लासिफिकेशन जो करेगा स्टेट वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेस पे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 स्टेट कैन क्लासिफाई द पर्सन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल, कौन सी कैटेगरी में वो क्लासिफाई करेगा? जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे वो क्लासिफिकेशन कर सकता है. और डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेट कैन ऑल्सो शो फेवर अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पर ये जो स्टेट क्लासिफिकेशन कर रहा है ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी नहीं है. और ये ऐसा क्लासिफिकेशन करके स्टेट जस्टिफाई क्यों कर रहा है? क्योंकि ओबीसी है तो उसको उस हिसाब से फेवर देना है, जनरल कैटेगरी है तो उसको उस हिसाब से फेवर देना है. तो यहाँ पर डिससिमिलर सर्कमस्टेंसेस पे डिससिमिलर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके सोसाइटी में क्या हो जाएगा? इक्वालिटी. इसी कंसेप्ट के बेस पर स्टेट जो है वो अलग अलग टैक्सेस लगा सकता है अलग अलग प्रोफेशंस पे. फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस पर्सन हो तो उसको उस हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, कोई फार्मर है तो उसका टैक्स रेट जो है वो लोअर रहेगा. तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन है वो क्या है? रीजनेबल है, वो जस्टिफाइड है. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर डिससिमिलर सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो गए तो हम लोग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. और अगर हमने इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट किया तो इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा? सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाएगी. तो सोसाइटी में अगर इक्वालिटी करनी है तो हमें क्या करना होगा? सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लॉज को अप्लाई करना होगा, तब जाके ये वाले जो कंसेप्ट है उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिलेगा. सो इसीलिए हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एक पॉजिटिव कंसेप्ट मानते हैं. और ये वाला कंसेप्ट हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अप्लाई किया है. सो दिस वॉज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज.